सर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलईडी सीरीज टेस्ट कैसा करने का बताने वाला हूँ। ये है 100 पॉइंट का एलईडी सीरीज और आपको पता है कि एलईडी सीरीज में दो सर्किट रहता है, 50 पॉइंट का एक सर्किट और 50 पॉइंट का एक सर्किट। तो दोस्तों सर्किट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि पहला बल का डायरेक्ट कनेक्शन तीसरे बल को जाता है, तीसरे बल का डायरेक्ट कनेक्शन पांचवें बल को जाता है और पांचवें बल का डायरेक्ट कनेक्शन सातवें बल को जाता है और दूसरा सर्किट दूसरा बल से चालू होता है वो डायरेक्ट चौथे बल को जाता है और चौथे बल का डायरेक्ट छठे बल को जाता है। ये है सर्किट, 100 पॉइंट का मेनी में सर्किट ऐसा होता है। अभी ये एलईडी सीरीज में एक रेगुलेटर लगता है, ये मेगालाइट का रेगुलेटर सर्किट है और एलईडी सीरीज टेस्ट करने के लिए ये टेस्टर, ऐसा टेस्टर हम लोगों ने बनाया, ये टेस्टर आपके पास होना जरूरी है। तो दोस्तों मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि एलईडी सीरीज टेस्ट कैसा करने का। मैंने ये मेन लाइन पे लगाया, बोर्ड चालू किया तो आधा बंद है और आधा चालू है, यानी कि एक सर्किट चालू है और एक सर्किट बंद है। आप देख सकते हैं अभी ये पहला सर्किट बंद है। अभी मैं टेस्ट कैसा करने का बताने जा रहा हूँ। तो ये टेस्टर है, ये टेस्टर का एक पॉइंट न्यूट्रल में डालो, न्यूट्रल में मैंने डाला और अभी चेक कराओ। पहला पॉइंट पे चेक किया, पहला पॉइंट लग रहा है यानी कि इधर तक करंट आ रहा है। अभी मैं तीसरे बल्ब के यहाँ जा रहा हूँ, दो पॉइंट लग रहा है यानी कि करंट इधर तक आ रहा है। अभी मैं पांचवें बल्ब तक जा रहा हूँ, तीन बल्ब लग रहा है यानी कि करंट इधर तक आ रहा है। अभी मैं सातवें बल्ब तक जा रहा हूँ, आगे का लग रहा है यानी कि या और इधर का बंद है यानी कि करंट इधर तक इधर नहीं आ रहा है, यानी कि ये पांचवे और सातवें बल्ब के बीच में करंट अटक गया है। तो इसका मतलब बल्ब गया होगा, हाँ वो वायर नहीं है इसमें, तो इसमें वायर नहीं है, वायर लगा नहीं है, एक पॉइंट का वायर नहीं लगा है। अभी मैं इसका वायर लगा रहा हूँ, वायर कनेक्शन रह गया था तो अभी मैं इसको वायर लगा रहा हूँ। अभी चालू करता हूँ, देखता हूँ चालू होता है कि नहीं। ओ चालू हो गया, यानी कि वायर लगाने का रह गया था इसीलिए एलईडी सीरीज एक सर्किट बंद था। तो दोस्तों इस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।